ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखांबितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्प तरुवेश्या कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhuji's and Mataji's. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhuji, आज एकादशी है और संडे भी है। नॉर्मली में मैं क्लास जो है 8:30 बजे देता हूँ, लेकिन आज जो मैं क्लास देना चाहता हूँ था प्रभु, वो हमारे सबके लिए है। बाहर के लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोग सब लोग रहोगे 8:30 बजे, तो कोई होगा नहीं होगा, दूसरे कोई कमिटमेंट होगा। ये क्लास जो है मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो है अभी मैं देखते जा रहा हूँ। कल राधा रूप माता जी का भी तबीयत बिगड़ गया, उनका भी कुछ छोटा सा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सी इज इन द हॉस्पिटल। पार्थ गोविंद प्रभु का भी गड़बड़ हो गया। तो प्रभु दिस क्लास इसीलिए मैंने बनाया है, If you want consistency in Japa, then you have to properly balance health, family responsibility and job. जरा seriously सुनिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ devotees इतने enthusiastic है जपा करने के लिए। 1 बजे 2 2 1 बजे, अभी आज सुबह में मैं जल्दी देखा, कुछ 4 बजे के आसपास ऑलरेडी कुछ 30 devotee बैठ गए थे जपा के अंदर। बहुत अच्छा लगता है, इतना उत्साह मिलता है ये devotees को देख करके। लेकिन प्रभु हमारी लाइफ के अंदर ऐसा होना चाहिए कि ये उत्साह जिंदगी के अंतिम क्षण तक बना रहे, ऐसा ना हो जावे वो फुआरा की तरह। दिवाली में मालूम है ना फुआरा होता है, वो फुआरा में बहुत प्रकाश होता है, वो प्रकाश होता है तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन जो है वो खत्म हो जाने के बाद में इतना अंधेरा हो जाता है कि उसका मैं लगता है कि फुआरा नहीं होता था तो अच्छा था, और बदबू भी बहुत आती है। तो ऐसा नहीं चाहिए प्रभु जी अपने को। इसलिए जो है ये क्लास जो है प्रभु ध्यान से सुनिएगा। 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा ना तो भी चलेगा, थोड़ा टॉलरेट कर लेना। आज वैसे भी एकादशी भी है, संडे भी है, और थोड़ा लेट भी हो जावे तो हम जपा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी 12 बजे तक हम जपा करने वाले। पहला, जो भी डिवोटी सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है ना, उसके लाइफ में एक कन्विक्शन आने लगता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं इधर फंस गया हूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, मैं पूरी तरह से फंस गया हूं और कृष्णा के सिवा मेरा लाइफ में अभी कोई आसरा नहीं है। और वो धीरे 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 उसका कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अंदर से बराबर कृष्णा को बोल देता है, कृष्णा आई एम सोल्ड आउट टू यू नाउ, आई एम कंप्लीटली सोल्ड आउट टू यू, आई एम गोइंग टू बी योर सर्वेंट फॉर एवर। मैं जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं तुमको अभी छोड़ूंगा नहीं कृष्णा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है ये भौतिक दुनिया क्या है और मेरा कौन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। अभी वो जब ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर ये डिवोटी का इस तरह से कॉन्शियसनेस होने लगता है, तब वो डिवोटी इसके जीवन के अंदर भी ऐसा एक कंक्लूजन आता है कि जैसा जैसा मेरा उम्र बढ़ेगा, कि जैसा जैसा मेरा स्टैंडर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस का ज्यादा से ज्यादा समय में निकालते जाऊंगा, तो उसी तरह से मैं जो है मेरी साधना, मेरा एसोसिएशन, मेरा सर्विस एटीट्यूड, मेरा जो है रीडिंग, मेरा हियरिंग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए।
जिससे जो है मेरा अटैचमेंट कृष्णा के साथ में बढ़ते ही जाना चाहिए, डिवोटीज के साथ में अटैचमेंट बढ़ते जाना चाहिए। ये हर एक डिवोटी के जो सिंसियर डिवोटी है उसकी लाइफ के अंदर एक एस्पिरेशन होता है, और उसके जीवन में ऐसा ही होता है कि जैसा मेरा मृत्यु आवे ना उसके पहले मैं इतना अटैच हो जाऊं कृष्णा के साथ में कि मेरे लाइफ के अंदर दूसरा कोई गोल ही नहीं हो रहा, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लिया है और अभी मुझे सिर्फ कृष्णा ही चाहिए। ये जो है हर एक सिंसियर डिवोटी की कॉन्शियसनेस आती है प्रभु जी, नो डाउट। ये करने के लिए प्रभु बहुत मैच्योरिटी की गरज होती है, क्योंकि बहुत लाइफ के अंदर ऐसी बहुत चीज होती है जो चीज अगर आपने बराबर ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है प्रभु ये सब चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। ये एकदम जरूरी है प्रभु, देर आर मेनी फैक्टर्स विच विल डिस्कस इट राइट नाउ। अगर वो सब चीज आपने आपके लाइफ के अंदर ध्यान नहीं रखा तो आपकी लाइफ के अंदर एस्पिरेशन होगी लेकिन आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्रभु इसके लिए बहुत मैच्योरिटी, बहुत पेशेंस, बहुत अच्छी तरह से धीरे 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 मोल्ड करना चाहिएगा लाइफ को, जिसकी वजह से फिर आगे चल करके प्रभु वो स्टैंडर्ड पे हम आ जाते। बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, हम ज्यादा करके जो है हमको कुछ जन्म से कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिला था। नो डाउट हमारे पिताजी पेरेंट्स जो है थोड़े डिवोटीज थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमको प्रभुपाद ने बताया है वैसा कल्चर हमको जन्म से, मेजोरिटी हो सकता है कोई लोग एक्सेप्शन होगा, लेकिन प्रभु हमको ऐसा कल्चर नहीं मिला था। इसलिए टू बी वेरी फ्रैंक ना, हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं ना तो प्रभु हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे लिए अननेचुरल है, थोड़ी अननेचुरल हो जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों अननेचुरल हो जाती है? क्योंकि जो है लाइफ में कभी भी सुबह में उठे ही नहीं होते। कभी उठते हैं प्रभु? आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं जब भी जिस टाइम पे अभी मैं उठता हूँ उस टाइम में मैं सोने जाता था, और जिस टाइम मैं सुबह के अंदर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता है तभी मैं उठता था। आज के दिन हमारा जब भी मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा सुबह में हो जाता है तो हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है तभी हम उठते थे। हमारी लाइफस्टाइल जो है प्रभु जी कंप्लीटली अननेचुरल है कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरुआत में, क्योंकि हमने ऐसी लाइफ जिया ही नहीं था। खाने पीने में प्रभु जी हम जल्दी सोना, जल्दी प्रसाद, लिमिटेड और सिंपल प्रसाद लेना चाहते हैं और जल्दी लेना चाहते हैं। हम रात को 10-10 12-12 बजे खाना खाते थे, 12-12 1-1 बजे खाना खाते थे और फिर बाद में सोने जाते थे, 8-9 बजे उठते थे और उठने के बाद में आधे घंटे में स्नान करके सीधा ऑफिस में चले जाते थे। ये दिस वॉज अवर लाइफ स्टाइल। तो प्रभु अच्छा हम लोग प्रज्वलित करने बैठते थे तो ऐसा बातें करने बैठ जाते कि अजीब जो है हमारे लिए कुछ आगे पीछे है नहीं, अभी हम जरा भी प्रज्वलित नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना टाइट है। तो अभी जो है ना प्रभु जी थोड़ा थोड़ा अभी आप रियलाइज करोगे ना तो हमारा लाइफ जो है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस से एब्सोल्युटली अननेचुरल लाइफ है। हमने ऐसा जिया ही नहीं था, हमने कभी भी सुबह में उठे नहीं थे, हमने सुबह भी एक एक आसन में एक सिटिंग के अंदर 16 माला नहीं किया था, हमने कभी भी जो है ऐसा एकादशी के दिन 64 माला दोपहर 12 बजे तक किया नहीं था। हमने 64 आवर्स, 128 आवर्स, 192 आवर्स लाइफ में कभी भी नहीं किया था प्रभु। ये जो है प्रभु जी ये लाइफ पूरी अननेचुरल हो रही है हमारी लाइफ में। अभी इसके अंदर अननेचुरल उसका ये मतलब नहीं है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम पक्का रखेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस लेकिन हम मैच्योरिटी के साथ में हमारा बॉडी को मोल्ड करेंगे। अगर हमने बराबर लाइफ को मोल्ड बराबर नहीं किया प्रभु मैच्योरिटी के साथ में, उसके अंदर जो है प्रभु हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे साथ पेशेंस के बाद में प्रभु जी थोड़ा टाइम भी देंगे, थोड़ा लाइफ में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे जिससे हमारा गोल सेक्रीफाइस ना हो, एट द सेम टाइम हमको बॉडी का भी सपोर्ट मिलता रहे। दिस इज द गोल ऑफ ईच एंड एवरी मैच्योर डिवोटी। लेकिन जो है आई हैव टू टेल यू वेरी फ्रेंकली प्रभु, मेजोरिटी डिवोटी ये नहीं करता है। और फिर लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से कभी कभी उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय प्रेशर और फोर्स से उसको छोड़ देना पड़ता है। प्रभु ऐसा हमको लाइफ नहीं जीने का है, हम पूरी मैच्योरिटी के साथ में, कन्विक्शन के साथ में और धीरे धीरे पेशेंस, पेशेंस के साथ में थोड़ा जो है प्रभु जी कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा जो है प्रभु जी लिटिल बिट गिविंग एंड गोइंग, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग कर कर करके लाइफ को, बॉडी को मोल्ड करेंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना मैं देख रहा हूँ हमारे जूम के अंदर भी होता है, जब डिवोटी को इतना सुंदर भक्तों का संग मिल जाता है, इतना सुंदर सुबह में उठ करके जपा करने में आनंद आता है,
इतना नरिशमेंट मिलता है, वो डिवोटी को ऐसा लगता है बस अभी तो मुझे सब कुछ दे देना है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अभी मुझे मिल गया। इट इज लाइक इट, हमारे गुजराती में, हमारे स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं, जैकपॉट मिल गया है मुझे, अभी अभी इसको छोड़ूंगा ही नहीं मैं, और मैं सब कुछ दे दूंगा अभी मुझे, क्योंकि क्या मुझे मिल गया, ये मैं पूरी जिंदगी इसके लिए जा रहा था, अभी मुझे मिल गया है बस, दिस इज माई लाइफ एंड सोल, अभी मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं। दिस इज अ वंडरफुल थिंग प्रभु, डेफिनेटली ये होना ही चाहिए। लेकिन प्रभु उसके अंदर उसका जो दूसरा स्टेप है ना, वो दूसरे स्टेप में डिवोटी इतना एग्रेसिवली जाता है, सुबह में आ जाता है, हमारे साथ में जपा करता है, ऑफिस का भी जाता है, फोकस में कहां पर भी डाइवर्शन नहीं करता है, हेल्थ का भी विचार नहीं करता है, फैमिली का भी डिस्टर्ब ध्यान नहीं देता है, सब चीज में खाली बस मुझे कृष्णा मिल गया है, मुझे भक्तों के संग में रहना है, डिवोटीज के साथ में एसोसिएशन करना है, मुझे इसी तरह से जीना है, ये ऐसा एग्रेसिव होने लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु कि वो करते 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 जो है ना प्रभु, हम प्रभु जी हम छे गोस्वामी नहीं है, हम छे गोस्वामी नहीं है, हम हरिदास ठाकुर नहीं है जो 20-20 घंटा इतना घंटा 192 राउंड रोज कर सके, हम छे गोस्वामी नहीं है कि जो जो है प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी तो खाली एक हाथ के अंदर खाली छांस लेते थे और उसके वजह से वो पूरे दिन उसी पे जीते थे, सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, 2 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, वो स्टैंडर्ड हम नहीं ला सकते प्रभु, दे आर ऑल मंजरीज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उनको महाप्रभु की डायरेक्टली डायरेक्टली कृपा मिली हुई थी, दे वर डायरेक्ट एसोसिएट्स ऑफ महाप्रभु, वो स्टैंडर्ड पे रह सकते थे और वो मेंटेन भी किया उन्होंने, प्रभु हम इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, नो डाउट, डजंट मीन कि हम जो है नहीं छोड़ेगा, नहीं प्रभु पक्का याद रखेगा, हम ये टारगेट रखेंगे हमारी लाइफ में, ये हमारा गोल रखेंगे कि हमको ये डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन ऐसा ही सीधा ही पकड़ लेंगे ना प्रभु, बॉडी आपके सामने बहुत जबरदस्त ऐसे रिएक्ट करेगी, और वो रिएक्ट जब करेगी ना प्रभु, वो आपको बहुत ही आगे चल करके तकलीफ देगी, और वो तकलीफ की वजह से जो है प्रभु आप भक्ति आगे नहीं कर पाओगे। प्रभु एक चीज याद रखेगा, हर एक जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर डिवोटी आया है उसके लाइफ के अंदर एक तो क्लैरिटी आ ही जानी चाहिए कि मुझे जिंदगी के अंतिम क्षण तक कृष्ण को अभी छोड़ना नहीं है, ये तो क्लैरिटी उसके पहले से ही आ जानी चाहिए, प्रभु मैं कैसा भी करूंगा लेकिन कृष्ण को तो अभी भूलूंगा ही नहीं, मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु जी आप बहुत एग्रेसिवली चले जाते हो, तो एग्रेसिवली जाने की वजह से जो है प्रभु जी आपका कंडीशनिंग तो नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, प्लस हम सिटी ज्यादा करके हम लोग सब सिटी वाले लोग हैं, हमको ऐसा कुछ लाइफस्टाइल भी हमारी बनी नहीं है, उसके अंदर जो है प्रभु आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करता है और बहुत बड़ा फियास्को हो जाता है अपने लाइफ में, जितना ऊपर गए थे ना उतना जोर से नीचे आना पड़ता है और वो बहुत भारी गिरेगा प्रभु आपके लाइफ में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इट आउट। अभी मैं आई विल बी सॉरी टू टेल यू प्रभु, वेरी फ्रेंकली मैं जूम के अंदर भी देख रहा हूँ डिवोटीज इस तरह से बहुत उत्साह के साथ में, प्रभु जी एक बाजू बहुत अच्छा लगता है और एक बाजू डर भी लगता है ऐसा ना हो जावे कि वो डिवोटी चला जावे, अच्छा लगता है प्रभु जी सुबह में देखता हूँ सब डिवोटीज इतना उत्साह के साथ में आते हैं, लेकिन प्रभु अंदर से डर भी लगता है कि ऐसा ना हो जावे कि ये डिवोटी फुआरा की तरह हो गए, दिवाली का फुआरा बहुत उत्साह दिखाया बाद में दिखाई नहीं दे पाया, और वो डिवोटी की इच्छा नहीं है सा, इंटेंशन वो डिवोटी का बहुत अच्छा है, पर उसने जो है दूसरी सगा चीज के अंदर मैच्योरिटी नहीं रखने की वजह से, थोड़ा पेशेंस नहीं रखने की वजह से वो आगे चल करके कृष्ण भक्ति जो है सस्टेन नहीं कर पाता है, प्रभु हमको ऐसा नहीं करना है। आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली अच्छे अच्छे डिवोटीज प्रभु जी हमारे जूम के अंदर, प्रभु जी वो सोते ही नहीं है पूरा, प्रभु हम कुछ जो है प्रभु जी हरिदास ठाकुर नहीं है, हम कुछ जो है प्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं है कि 1 घंटा के 2 घंटा सो लिया और पूरा दिन काम कर सके, हमारी वो स्थिति नहीं है, अभी ज्यादा करके मैं डिवोटीज देख रहा हूँ प्रभु जी 3-4 घंटा ही सोते हैं और जो है काम पे चले जाते हैं, अभी जो है प्रभु जी रात को जो है लेट होता है ऑफिस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लेट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट हो जाने की वजह से
वो सुबह में उनको जूम जपा भी छोड़ना नहीं है। अभी जपा करने के बाद में सीधा वहां से ऑफिस में चले जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद में वहां पे तो आराम मिलता नहीं है, फिर सीधा रात को आते हैं प्रभु। और रात को आने के बाद में प्रभु जी वापिस घर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट होता है, तो प्रभु जी उनका घर पे 3 घंटा 4 4 घंटे का ही नींद होता है। अभी जो है प्रभु मेरा दावा है, प्रभु हम लोग कंडीशन सोल है, मेरा दावा है अगर वो आपकी नींद जो है ना वो आउटस्टैंडिंग करती रही करती रहे करती रहेगी ना, तो प्रभु एक स्थिति ऐसी आ जाएगी वो आपको रिएक्ट करेगा। प्रभु आप लोग ज्यादा करके मैं देख रहा हूं, ज्यादा करके लोग जवान लोग हैं इधर, आइदर दे आर इन 30s और यू आर देयर इन 40s, बट प्रभु एक 50s में चले जाओ और 60s में चले जाओ, फिर आप देखो प्रभु बॉडी रिएक्ट करता है। और जैसा वो बॉडी रिएक्ट करेगा ना प्रभु, वो बॉडी जो है प्रभु आपको सस्टेन नहीं कर पाएगी, और तब तक इतना लंबा हो गया होगा कि प्रभु आप उसको जो है बॉडी इतना टूट गया होगा कि वो इतना ब्रेकडाउन हो गया होगा कि उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। और वो रेक्टिफाई नहीं करने की वजह से जो है प्रभु आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटेरियल लाइफ सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेरा तो हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक डिवोटी को, मेहरबानी करके, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी कोई स्पेशल केस के अंदर हो सकता है। आई गिव यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल, परसों जो है प्रभु जी आई हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग विद माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे को एक साथ में उसके साथ में मैराथन मीटिंग 9 घंटे का हुआ। मेरा मीटिंग खत्म हुआ 10:30 बजे, मैं घर पे आया 11:30 बजे रात को, 12:15 12:30 बजे मैं सोया, और वापिस जो है प्रभु 3:30 बजे उठ गया था मैं, 3:30 4 बजे उठ गया था मैं। और कल हमने कल कल जो है पूरा सुबह पे मॉर्निंग प्रोग्राम 32 राउंड्स भी था हमारा, और कल हमारे घर पे अपने डिवोटी आ गए थे बैंगलोर वाले, क्या उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, एनीवे वो डिवोटी हमारे साथ में रोज जपा करते थे, ही वांटेड टू टॉक विथ मी, तो वो भी आ गए थे। तो प्रभु वो सब उन क्लास खत्म होने के बाद मैं टू सिट विथ हिम ऑल्सो, लेकिन मैंने नक्की किया अपना अपनी डेफिसिट है नींद की, पहली नींद की डेफिसिट खत्म करो। जब वो प्रभु जी चले गए मेरा सुबह का जपा हो गया, मैं इमीडिएटली सो गया, 11 बजे सो गया और 3 बजे उठा, 4 घंटे का नींद करके कवर कर लिया मैंने। और वो कवर करने के बाद में जो है फिर प्रभु दूसरी एक्टिविटीज चालू किए। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक डिवोटी अपने लाइफ के अंदर एंग्रेव कर लो, जिस दिन आपकी नींद खत्म नहीं हुई है, कोई इमरजेंसी होगा आपके लाइफ के अंदर और वो नींद खत्म नहीं हुई है, आप उसी समय मैक्सिमम या तो वो दिन या तो नेक्स्ट डे के अंदर ही वो नींद की जो है डेफिसिट कवर कर लो, वरना उसका रिएक्शन बहुत भरा बहुत खराब आता है। प्रभु आपकी बॉडी को जो है इतना उसका रिएक्शन आएगा, वो फिर वो बॉडी को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप देखो कोई भी डॉक्टर को आप पूछोगे ना, तो वो हमेशा इस्कॉन के डिवोटीज के लिए वाली दो ही चीज बोलते हैं कि ये आपका इस्कॉन के डिवोटीज का दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला तो वो प्रभु जी वो लोग नींद कम लेते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। प्रभु आप लोग को है ना समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो जवानी का जोर है ना, वो जवानी का जोर होने की वजह से जो है प्रभु आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल करके वो उसका रिएक्शन बहुत भारी गिरेगा। प्रभु एक तो वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोग नींद पूरी नहीं करते हो, उसका ये मतलब भी नहीं है। प्रभु जी प्लीज याद रखें कि हमको आलसू नहीं बनने का है, ज्यादा पड़े नहीं रहेंगे पोदड़े की तरह, डेफिनेटली हमको राइट टाइम पे जो है खत्म हो जाने के बाद में विल गेट अप, लेकिन नींद पूरी करेंगे ही हम लोग। प्रभु पहला तो जो है यू हैव टू गेट सफिशियंट रेस्ट, अगर रेस्ट पूरा नहीं हुआ तो दूसरे दिन कवर कर लो। दूसरा प्रभु जी प्रसाद जो है ना प्रभु, उसके अंदर भी मैंने देखा इस्कॉन में जो है ना, हमारा इस्कॉन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि अच्छा प्रसाद, पनीर 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 का सब्जी ने, ये सब्जी ने, वो सब्जी ने, कुछ भी खाते रहते हैं इधर का, ये मतलब यार प्रसाद, सो यू कैन ऑनर इट आउट। बट प्रभु रात के टाइम पे हैवी प्रसाद लेकर के मत सो। जब व्यक्ति हाथ को रात के टाइम पे हैवी प्रसाद लेकर के सोता है प्रभु जी, एक तो सबसे पहले उसको जो है ना डाइजेस्ट होने के लिए टाइम जाता है, डाइजेस्ट होता नहीं है, सुबह के टाइम पे जपा के लिए उठना पड़ता है, पेट क्लियर नहीं होने की वजह से जो है प्रभु माइंड फ्रेश नहीं रहता है, जपा अच्छा होता नहीं है, पेट क्लियर हुआ नहीं है, फिर वो करने के बाद में आपको ऑफिस में जाना का होता है, यू आर अनकंफर्टेबल प्रभु, यू आर अनकंफर्टेबल, जपा भी बिगड़ जाता है, आपका जस्टिस भी काम को नहीं दे सकता है, योर माइंड इज ऑल्सो नॉट फ्रेश इनफ बिकॉज योर स्टमक इज नॉट क्लियर। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके लाइट प्रसाद लो, स्पेसिफिकली रात के टाइम पे, और कम से कम
दिस इज द ऑल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड एवरीबडी सेज 12 घंटा जो है ना प्रभु आपको कुछ खाना ही नहीं चाहिए। अगर 12 घंटे का टाइम आपने कुछ नहीं खाया ना प्रभु, आपकी बॉडी इतनी अच्छी रहती है, क्योंकि बॉडी को इतना सफिशियंट टाइम मिलता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जितना आप देखना प्रभु जी, जिन लोग जल्दी प्रसाद ले लेते हैं और जल्दी उठते हैं और उसका स्टमक क्लियर होता है, तो इतना नरिशमेंट मिलता है उसका जपा में, क्योंकि फ्रेश है। बॉडी को भी रेस्ट मिल गया है, स्टमक भी क्लियर हो गया है, आप भी फ्रेश हो जाते हो। यू कैन रियली गिव प्रॉपर जस्टिस टू योर जपा। लेकिन आई कैन टेल यू प्रभु, लोग डिवोटीज नहीं करते इस तरह से। और ये डिवोटीज नहीं, और आई कैन टेल यू इवन जूम डिवोटीज, डिवोटीज आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। एंड बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर, दैट्स वाई इट इज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम। एंड टेक माई वर्ड्स प्रभु, हम लोग खाली 3 साल होने आएंगे अभी हमारा, हमको पूरी जिंदगी जपा करना है। अगर हम बराबर बॉडी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रभु एक टिकेगा नहीं आगे। वी नीड दैट थिंग वेरी सीरियसली। अभी आपका जवानी का टाइम है, इसलिए अभी आपको लगता है कि नहीं कुछ भी होता, देखो प्रभु मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। समय का सवाल है प्रभु, थोड़ा समय का सवाल है, थोड़ा समय जाएगा। और उस समय इतना लंबा हो गया आपके लाइफ के अंदर, आप उसको रेक्टिफाई भी, कोई भी बॉडी का अंग जो है ना प्रभु, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है ना प्रभु, ये नेचुरल वो रेक्टिफाई नहीं होता है, उसको फिर टॉलरेट करके जिंदगी निकालनी पड़ती है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ भक्ति रसामृत महाराज। भक्ति रसामृत सारद यानी उस समय जो है ब्रह्मचारी थे, देवामृत प्रभु उनको बोला जाता था। प्रभु वो राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर टेम्पल प्रेसिडेंट थे। अभी ये व्यक्ति जो है प्रभु, शुरुआत में नो डाउट इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड प्रीचिंग, इतना गोपीनाथ मंदिर के अंदर प्रीचिंग करना था, तो उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। वो प्रभु जी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, फिर जो है प्रभु हमारा ब्रह्मचारी क्लास होता था, फिर ब्रह्मचारी क्लास करके प्रसाद लेते थे, कपड़े धोते थे, और 3 बजे दोपहर में वो निकलते थे प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए। 3 बजे निकलते थे और रात को 3 बजे आते थे। माया मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 बजे सुबह में दोपहर में निकलते थे, रात को 3 बजे आते थे। अभी वो 3 बजे रात को आते थे, वो क्या होता था, ज्यादा करके वो सब आईआईटीज में जाते थे, मुंबई में सब मेडिकल कॉलेजेस में जाते थे प्रीचिंग के लिए। तो ये सब जगह पे जो है ना प्रभु, ये सब बहुत इंटेलिजेंट लोग है ना, रात के टाइम पे फ्री होते हैं, तो उनके पहले जो है आएंगे, पहला काउंसलिंग सब लोग के करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद में सबसे प्रवचन का करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर होता था, और वो सब होते होते रात को 1-1:30 बजता था वहां पे। रूम मंदिर में आते थे तब 3 बजता था उनका। और मैंने कितनी बार देखा है, क्योंकि मुझे 3 बजे एग्जैक्टली मुझे अस्थमा का अटैक होता था, तो मैं उठता था तो तभी वो बैठे होते थे। मैंने बोला क्यों करते हो, क्या बैठे हो, चलो सो जाओ, मंगल आरती तो 4:30 बजे, एटलीस्ट 1 घंटे का तो नींद मिलेगा आपको। तो वो उन्होंने एक ही चीज मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं जो है अभी सो जाऊंगा तो जो है मेरा प्रॉब्लम ये होगा कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, और उठ नहीं पाऊंगा तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बेहतर है अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं सोने जाऊँ या सीधा बाथरूम में जाकर के स्नान करने चले जाऊँ। और मैंने कितनी बार उनको देखा है प्रभु, वो सीधा ही स्नान करने चले जाते थे और सीधा टेम्पल हॉल में आ जाते थे, और वो टेम्पल हॉल के अंदर प्रभु जी फिर वापस कुछ भागवतम या कुछ पढ़ते थे, और सुबह में वापस जपा करने हमारे साथ में बैठते थे, मंगल आरती और जपा करने बैठ जाते थे प्रभु। और फिर वो क्या करते थे, उनकी नींद नहीं होती है ना, तो वो क्या करते थे, हफ्ते में एक दिन जो है ऐसा कर देते थे कि बस आज एक दिन ना पूरा रेस्ट रेस्ट दे रखता हूँ, सब रेस्ट जो इतने हफ्ते का पूरा रेस्ट कवर नहीं हुआ है ना मैं कर लेने वाला हूँ। प्रभु ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसी स्थिति हो गई प्रभु जी उनकी, अभी उस समय उनकी जवानी थी ना प्रभु जी, ही वॉज वेरी यंग इनाफ एंड ही कुड डू इट। वो करने के बाद में आज के दिन प्रभु भक्ति रसामृत महाराज की हेल्थ इतनी खराब हो गई है, और वो खुद भी रियलाइज करते, और मुझे हमेशा बोलते रहते कि आनंद वृंदावन बराबर हेल्थ का ध्यान रखना, तुम मेरे जैसा मत होना, तुम मेरे जैसा कुछ हो जाएगा तो पूरी हालत बिगड़ जाएगी, बहरबारी करके सब बराबर इसे करके बैलेंस करके रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, आगे चल करके कृष्ण भक्ति करनी बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो प्रभु ये देखने के बाद में मैं तो थोड़ा बहुत समझ गया, लेकिन मैं अभी यहां पे देख रहा हूं प्रभु डिवोटीज में इसी तरह से ओवर एंथुजियाज्म हो रहा है। नो डाउट एक बाजू अच्छा भी लगता है और एक बाजू ऐसा भी लगता है कि ये टिक नहीं पाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अभी आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, आई नो आई एम नॉट सपोज टू से दिस वे, बट आई कुड अंडरस्ट, आई हैव टू टेल यू जस्ट टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड। हमारा पार्थ गोविंद प्रभु है,
अभी पार्थ गोविंद प्रभु का हेल्थ का हार्ट का प्रॉब्लम आया, तब भगवान की दया से सब बराबर हो गया, लेकिन पार्थ गोविंद प्रभु ने अपना बॉडी को बराबर ध्यान रखा ही नहीं है। वो जब भी मेरे घर पे आते थे सुबह में जपा करने के लिए प्रभु, अभी वो रहते हैं भांडुप में, भांडुप से मेरा घर तकरीबन 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर भांडुप टू बोरीवली। पार्थ गोविंद प्रभु जो है ना, मेरे वो मुझे खुद बोलते थे, मैं नहीं बोलता था, वो खुद बोलते थे, आज मैं रात को 2 बजे जो है ऑफिस से आया। अभी रात को 2 बजे जब ऑफिस में आते हैं, घर ऑफिस से आते हैं, और फिर जो है उनको घर से तो 3:30 4 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि 4:30 बजे मेरे घर पे आते हैं, और वो हार्डली 1 घंटे का नींद लेते हैं और फिर स्नान करके सीधा इधर आ जाते थे, और फिर यहाँ से जो है प्रभु जी यहाँ पे जपा करने के बाद में सीधे चले जाते थे अपने घर पे, जाते थे, बोलते थे मैं थोड़ा आराम करने वाला हूँ, लेकिन प्रभु वो आराम मिलता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जाते वक्त जो है ट्रैफिक होता है 40 किलोमीटर क्रॉस करने में, जो पहले आधे पौने घंटे में आते हैं वो 2 घंटा लगता है उसको घर पे पहुंचने के लिए, तो सुबह के टाइम पे ट्रैफिक हो जाता है, और नींद होती नहीं थी, बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेन करते जाते थे प्रभु। अभी स्ट्रेन करने का फजर क्या हुआ है प्रभु जी, नो डाउट भगवान ने उनको बचाया है, कोई हार्ट इश्यू नहीं आया है, लेकिन प्रभु उन्होंने अपनी बॉडी को क्रश बहुत खराब रीत से किया है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप ऐसा मत करो प्रभु, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। अच्छी तरह से व्यवस्थित नींद ले लो, जल्दी रात को सो जाओ, लाइट प्रसाद लो, बराबर से रात को नींद ले लो, और इस हिसाब से प्लानिंग करो कि वो सस्टेनेबल रहे। ये देखो पार्थ गोविंद, देखो भक्ति रसामृत मारन, देखो, और उसी तरह से बिकॉज आई दिस मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, मुझे आई नो देम एंड आई एम इन टच विद देम, हमारे सब लोग, ये विपुल प्रभु लो, प्रसाद प्रभु लो, एवरीबॉडी इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लास्ट हफ्ते में मैंने गुरुवार के दिन रात को विपुल को टेलीफोन किया कि मैं जो है अभी थर्सडे प्रोग्राम से अभी मैं आया हूँ, 11:30 बजे है, 3 बजे मैं उठ नहीं पाने वाला हूँ, मैं कल छुट्टी लेने वाला हूँ। तो इमीडिएटली उसका 11:30 बजे वापिस रिप्लाई आया, ओके प्रभु जी करके, मतलब भाई तुम क्या कर रहे हैं 11:30 बजे तुम मुझे जवाब देते, यानी सोया नहीं है, 3:30 11 बजे वो सोया नहीं है, वापस सुबह में 4 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठ करके इधर हमारे पास जपा में बैठेगा और वहां से सीधा डायरेक्टली ऑफिस में चला जाएगा। प्रभु जी टेक माई वर्ड्स, इट इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, आज वो लोग की जवानी है ना, और वो लोग ने क्या किया, अभी विपुल जो है वो IIT IIM में से बहुत पढ़ाई किया है, तो बहुत मेहनत उधर किया है, तो उसकी आदत है पढ़ाई करने की, रात के टाइम पर लेट उठने का, लेट जागने का, और वो सब उसका होगा, आदत होगा, लेकिन प्रभु बॉडी जो है ना जवाब देती है, और जब भी वो बॉडी जवाब देगी ना तभी बहुत भारे गिरेगा। उसी हिसाब से बिकॉज आई डोंट नो मेनी अदर डिवोटीज, बिकॉज इतना इंटीमेटली नहीं हूँ कि मेरे को एक एक हर एक डिवोटी के लाइफ स्टाइल मालूम है, लेकिन ये लोग का तो मुझे मालूम है, पार्थ गोविंद का, विपुल का, इवन प्रसाद प्रभु, एक बार मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने बोला उनके बात करना था, तो मैंने बोला आप किधर होते, कि मैं ऑफिस में से अभी निकला हूँ, रात को उस समय 9:30 बजा था, बोलो प्रभु आप क्या कर रहे हो, 9:30 बजे निकला है, घर पे पहुंचते पहुंचते 10:30 बजेगा, तुम सोएगा किधर कभी, और सोएगा कभी, और सुबह में वापिस 4 बजे तो तुम जो है वो यूट्यूब चालू करने वाला है, और फिर वो करने के बाद में इमीडिएटली तुम ऑफिस चला जाएगा, ये कैसा चलने वाला है प्रभु, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी सस्टेनेबल प्रभु। और जो है आज के दिन बोले आप इतना भी उत्साह बताओ प्रभु, वो टिकने वाला नहीं है, बॉडी आपको रिएक्शन देगा, जब वो बॉडी रिएक्शन देगा तब आप उसके सामने मैनेज नहीं कर पाओगे। प्रभु एक हार्ट का प्रॉब्लम आपको आ गया, चलो वो हार्ट का प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो क्या, उसको पूरी लाइफ उसको टॉलरेट ही करना पड़ता है। आपका कोई लेग का, नी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं कर सकते, बाद में उसको टॉलरेट ही करना पड़ता है, ऐसा क्यों करते हो भाई। वैसे मैं नहीं बोलता कि ये नहीं करते, ऐसा नहीं करते, इस बराबर प्लानिंग करने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन प्रभु उस समय अगर आपने इस तरह से इमेच्योरिटी के साथ में लाइफ जिया और ऐसा कोई रिएक्शन आएगा तो आपकी लाइफ में बड़ा गिल्ट आएगा, ये क्यों हो गया मेरे लाइफ। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, मैंने जो है ना प्रभु जी आपको सबको बता रहा हूँ, प्लीज इस तरह से मत जियो प्रभु जी, जिसके वजह से जो है आगे चल करके आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आवे। मेरे को मैंने देखा है प्रभु जी जूम डिवोटीज के अंदर, आई फेल्ट इट दैट वी हैव टू हैव समथिंग, सम वेरी सीरियस प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल जो है हमको सबको जो है प्रभु, बट हर एक डिवोटी को सफिशियंट रेस्ट लेना चाहिए, सफिशियंट रेस्ट लेना, रेस्ट लेने का, जिसको कोई, मुझे तो 7-7 घंटे का नींद चाहिए, कोई बोलता है मेरे को 6 घंटे में फ्रेश हो जाता हूँ, आप आपके लिए से चेक कर लो प्रभु आपको कितना घंटे की नींद चाहिए,
उतना घंटे की नींद आपने कंपलसरी लिखना है, आपको याद रखना है। हाँ, हो सकता है कभी कभी एक्सेप्शनल रीजन की वजह से आपकी नींद उस दिन नहीं हुई, जैसे मेरा परसों हुआ था, तो आपको उसके दूसरे दिन आपको वो इस तरह से एडजस्ट कर लो, तो दूसरे दिन आप कवर कर लो प्रभु, आप कवर कर लो, नहीं तो प्रभु जी उसका रिएक्शन बहुत आगे चल करके भारे पड़ेगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है, इतना सुंदर डिवोटी मिल रहा है, इतना सुंदर सुबह में जपा कर रहे हो, हमको उसके जो है हमारी नेग्लिजेंसी से ये चीज छोड़ना है क्या? क्यों ऐसा करते हो? पहला प्रिंसिपल हर एक डिवोटी को याद रखना है कि मेरे को सफिशियंट नींद लेनी है। दूसरा प्रिंसिपल, मैं रात को जितना हो सके उतना जल्दी प्रसाद लूंगा और जल्दी सो जाऊंगा। नॉर्मली 7-8 बजे के बाद में प्रसाद नहीं लेना चाहिए तो, और प्रसाद भी एकदम लाइट ही लेना चाहिए, जिससे आपको बॉडी वो एकदम जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और सुबह में जो है प्रभु आप स्टमक क्लीन करके ही आप बैठे, तो ही आपको जपा में अच्छा टेस्ट आएगा, वरना जपा में टेस्ट नहीं आएगा प्रभु। और मेरा तो हम, आपने देखा होगा प्रभु, वी हैव मेड लिटिल बिट स्ट्रिक्ट रूल्स, आपने किया है प्रभु, आई डोंट से नो, लेकिन प्रभु हमने वो स्ट्रिक्ट रूल के अंदर बराबर देखा है, हमने सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है, हमने 50% अटेंडेंस लिया है, ज्यादा नहीं लिखा है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं तो वहां तक बोलता हूँ जो मैं भी मेरे लाइफ में करता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो गया है आपके लाइफ के अंदर के बहुत आउटस्टैंडिंग हो गया है, और कुछ शेड्यूल ऐसा टाइट हो गया है कि वो टाइट की वजह से आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो, मेहरबानी करके हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लो, टेक वन डे रेस्ट। प्रभु आई एम सेइंग, मैं खुद कर रहा हूं, मेरे को इतना फायदा होता है। वो एक दिन छुट्टी लेने का मतलब नहीं कि हम आलसू हो गए, हम जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस से नेग्लिजेंट करेंगे, हमको उसमें एक ही चीज देखना है, तो उस दिन जो है ना नींद बराबर सफिशिएंट ले लो, और नींद बराबर सफिशिएंट लेने के बाद में उठने के बाद में कुछ मत करो, पहला चीज स्नान करके पहला हाथ में बेग बैग ही आनी चाहिए। उसका एक दिन का छुट्टी का मतलब नहीं हम आलसू होना चाहते, हम लेजी हो जावे, वी विल नेवर डू दैट, लेकिन ऐसा पक्का होना चाहिए कि एक बार मेरी नींद खत्म हो जाने के बाद में जैसा मैं उठूंगा ऐसा पहला काम, फर्स्ट थिंग आई विल डू इट इज आफ्टर टेकिंग माय मॉर्निंग बाथ एंड एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग इज मैं अपना जोपा पहला क्लियर कर लूंगा प्रभु। वो एक दिन की छुट्टी जो होगी ना, एक दिन की छुट्टी वो आपको अगले 6 दिन जो है ना आपका इतना फोकस रखेगी कृष्णा कॉन्शियसनेस करने, क्योंकि आपको बॉडी को जो जो चीज चाहिए थी ना वो मिल गई। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, आई टेक रेस्ट ऑन फ्राइडे, थर्सडे आई गो टू गोपीनाथ, तो वो सुबह में आप लोग के साथ में नहीं रहता हूँ, फ्राइडे आई टेक रेस्ट, क्योंकि रात को मैं आता ही हूँ 11:30 बजे हमारे थर्सडे प्रोग्राम से, 12-12:30 बजे सोता हूँ मैं, सुबह में 9 बजे के पहले नहीं उठता हूँ, आई टेक प्रॉपर रेस्ट, मैं उतना रेस्ट ले लेता हूँ कि मेरे को ऐसा लगे कि बस अभी एकदम फ्रेश हो तभी मैं उठता हूँ। और मैं सबको बोला, आई हैव माय पर्सनल रूम, तो मैं घर पे बोल देता हूँ मेहरबानी करके मुझे उठाना ही मत, सब मोबाइल मोबाइल सब बंद करके छोड़ देता हूँ प्रभु जी, ठीक, मेरे को इतना अच्छा लगता है, फिर बाद में पूरा हफ्ता अच्छा जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी को बराबर सफिशियंट रेस्ट। ये सबको जम रहा है कि नहीं, आपको लगता है ये प्रभु जी आप बहुत ये सब बातें मत करो, हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है हरि नाम में, ये सब बकवासगिरी नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है प्रभु? एंड आई एम सॉरी प्रभु, बट प्रभु आई हैव टू फील दैट, आई फील दैट आई शुड शेयर ऑल दिस थिंग्स टू यू जस्ट टू मेक यू अवेयर। कृष्णा भक्ति जिंदगी के अंतिम क्षण तक करने के लिए दूसरी सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये शक्य नहीं है ये सब चीज करने। तीसरा प्रिंसिपल है, बहुत क्लियर याद रखेगा प्रभु, के ऐसा लगेगा तो एक दिन छुट्टी ले लेना, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी उसके लिए ले रहे हैं जिससे आपके पूरे बाकी के 6 दिन बराबर हो गए, लेकिन वो छुट्टी जो है उसी के लिए है कि आपकी नींद बराबर हो जावे, बॉडी को बराबर रेस्ट मिल जावे, लेकिन जैसा पूरा रेस्ट मिलने के बाद में जैसा आप उठोगे तो पहला चीज आपका 16 राउंड्स को जो भी राउंड्स आप करते हो वो किए बिना दूसरा लाइफ की कोई भी एक्टिविटीज नहीं करेगी प्रभु। एक चीज उसका फायदा ये दूसरा भी होता है, उसका ये फायदा होता है प्रभु कि जो है ना एक दिन आप भक्तों के संग के बिना जपा करोगे ना, तो आपको भक्तों की एसोसिएशन की कदर भी होती है, क्योंकि उस दिन का जपा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यू आर नॉट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आपको भक्तों का संग की वैल्यू भी समझ में आ जाती है, दिस विल हेल्प यू सो मच। और हमने 50% ही अटेंडेंस मांगा है आपसे, एक दिन छुट्टी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ पॉइंट, एज फार एज माता जी का कंसर्न, मैं माता जी को मैं देख रहा हूं, बहुत माता जी का प्रॉब्लम, जो खास करके जो हाउस वाइफ माता जी है
वो हाउसवाइफ माता जी का प्रॉब्लम क्या है, सुबह के टाइम पे उनको हस्बैंड का कुकिंग करना है, बच्चों का कुकिंग करना है, उनका सब चीज संभालना है, और वापस वो जपा में भी बैठती है, डीटी वर्शिप भी करना है, वो सब चीज करना होता है उनको। बोलते हमको रेस्ट मिलता ही नहीं है, और रात को भी लेट होता है, हस्बैंड लेट आता है, बच्चे का कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये वो, उनको सबको जस्टिस देने में रात को लेट होता है, सुबह में जो है फिर वापिस जपा में भी बैठते हैं। डेफिनेटली माता जी आर रियली डूइंग लॉट्स ऑफ ऑस्टेरिटी, लेकिन उनका भी रास्ता, उनका भी बॉडी सपोर्ट नहीं देगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार हस्बैंड जॉब में चला गया, बच्चे लोग कॉलेज या स्कूल में चले गए, आपका मॉर्निंग का ड्यूटी वर्शिप का भी खत्म हो गया है, प्रसाद आपने बना लिया है, आपका जपा खत्म हो गया है, मेहरबानी करके दूसरा कोई भी एक्टिविटीज मत कर, खास करके दोपहर के टाइम पे टेक प्रॉपर रेस्ट, जिससे जो है रात को तो आपकी नींद कम हुई है वो कवर हो जाए, वरना प्रभु जी माता जी यू विल नॉट बी एबल टू कम, यू विल नॉट बी एबल टू गो अहेड, अगर होगा तो भी बॉडी का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी आपकी लाइफ में। दोपहर के टाइम के अंदर फिर बातें करना है, ना एसोसिएशन करना है, ना भागवतम पढ़ना है, ना चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, ना भगवत गीता पढ़ना है, ना लेक्चर सुनना है, ना प्रीचिंग के लिए प्रिपरेशन करना है, वो सब चीज बाद में, पहला नींद ले लो दोपहर के टाइम पे, आराम कर लो और वो कवर कर लो, वरना जो है ये टिकने वाला नहीं है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट फॉर माता जी। फिफ्थ पॉइंट जो है आपको जो है प्रभु यू हैव टू सी टू इट के आप, खास करके प्रभु जी होती है और जो भी माता जी जॉब में भी जाती है, अरे हम वहां से पगार लेते हैं भैया, पूरा जो है प्रभु सुबह में रात को नींद नहीं हुई है और सुबह में जपा करने गए हैं और वो कॉन्शियसनेस में पूरा टेंशन वाला है, क्योंकि नींद बराबर नहीं हुई है, हेल्थ बराबर नहीं है, स्टमक क्लियर हुआ नहीं, और फिर जॉब में जाते हैं प्रभु, प्रभु जी हमको खुद को गिल्ट होगा कि मैं पगार ले रहा हूं लेकिन मैं जस्टिस नहीं दे रहा हूं काम में, वो गिल्ट अपने को बहुत डिस्टर्ब करेगा। वी डोंट वॉन्ट टू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग इन अवर लाइफ। जॉब में बराबर जैसे पगार ले रहा हूं यार, जिसका बिजनेस होगा तो बिजनेस के अंदर भी टाइम देना पड़ेगा, प्रभु हमको गिल्ट होगा आपके लाइफ के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं, वो गिल्ट नहीं होने के लिए ऑल्सो यू शुड हैव ए वेरी प्रॉपर प्लानिंग। सिक्स्थ पॉइंट प्रभु, आपको जो है इवन फैमिलीज वाले लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पास से, इतना कृष्णा भक्ति के अंदर इतना मत चले जाना कि यू कैन नॉट गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स, वो टिकेगा नहीं प्रभु, उसका रिएक्शन आएगा, बच्चे आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे, फैमिली के लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आप जो बोलोगे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप जो किसी का सुना नहीं है प्रभु, पूरा लाइफ का पूरा फैमिली लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा, सब एवरीबडी इज ऑन देयर ओन, फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या कर लिया, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, उस समय जब तक आप क्वालिटी टाइम नहीं दोगे, दे शुड बी फीलिंग दैट वी आर केयरिंग फॉर देम, उसके लिए क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है प्रभु, आपका ऐसा शेड्यूल बंद करा देना कि ये सब चीज के अंदर आप जस्टिस ना देवे, और ये सब चीज करने के लिए प्रभु जी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलेंगे प्रभु ये सब कैसे करेंगे, एक तो एक बार जो हमको तो जो है कर्मी की जैसा सब जॉब में भी जस्टिस देना है, फैमिली को भी जस्टिस करना है, और हमारा तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना जपा करना है, जूम में आना है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी खत्म करना है, ये सब दोनों चीज कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे प्रभु। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक डिवोटी जो भी इस्कॉन में आया है या जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली ले रहा है, जो मॉर्निंग में साधना बराबर करना चाहता है, उसको एक डिसीजन बहुत ही क्लियर लेना पड़ेगा, वो है वेरी नाइस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए प्रभु, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर रहेगा ना, मोर और लेस यू विल विन द बैटल। अभी एक टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, पहला चीज आपको समझ लेना चाहिए, मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु दिस इज व्हाट आई सी, मैं घड़ी को ज्यादा देखता हूँ कृष्णा को कम देखता बिकॉज आई हैव यू हैव टू बी कॉशियस एवरी टाइम, कॉशियस कॉशियस कॉशियस, पहला तो प्रभु जी हमको कृष्णा भक्ति करनी है, प्रज्वल पकड़ने का हमको अलाउड ही नहीं है, कोई बातें करना बैठ जाते हैं, वो अल्लाह टल्ला अपना टाइम ही नहीं है भाई, जल्दी सोने का है, संजीव उठने का है, फैमिली को भी टाइम देना है, जॉब को भी जस्टिस देना है, हेल्थ को भी जस्टिस देना है, साधना भी बढ़ानी है, ये सब चीज करने के लिए प्रज्वल पे तो हमारे आउट ऑफ द क्वेश्चन ही हो गया है। तो प्रभु जो हमारी पहले की आदत है ना,
यू हैव टू कट इट ऑफ. एंड इफ यू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट. ये सब प्रजल पर बातें करना वगैरह सब छोड़ दो. दूसरा प्रभु जी, अगर टाइम मैनेजमेंट बराबर करना है, नो वॉचिंग टीवी. अरे हमको टाइम ही किधर है? यूट्यूब, यूट्यूब में जो जरूरी है देख लो, वरना डोंट स्पेंड सो मच टाइम इन यूट्यूब एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप. ये सब चीज के अंदर यू हैव टू सी टू इट, एक राइट टाइम खत्म करो. लो लेट नाइट्स, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है ऐसा लेट नाइट करने. पहले क्या था प्रभु जी, हम लोग जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आया ना, फ्रेंड सर्कल को बुलाते थे, रिलेटिव को बुलाते थे, रात को एकदम हल्ला टल्ला करते थे, एक एक दो दो बजे सोते थे और सुबह में 9 बजे सीधा स्नान करके ऑफिस में चले जाते थे. अभी वो लाइफ स्टाइल नहीं है अपनी भाई. अभी तो 9 बजे अपना आधा दिन खत्म हो जाता है भाई. अभी दिस इज नॉट अलाउड. तो प्रभु यू हैव टू सी टू इट दैट आपको कोई ऐसा टाइम वो नहीं कर पाओगे. नो टेकिंग वेरी लाइट प्रसाद, डिनर में लाइट प्रसाद लेना प्रभु. और आपको जो है प्रभु, जितना हो सके उतना लाइफ की शेड्यूल इस तरह से बनाना कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को भी बराबर जस्टिस दे पावे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे पावे, जॉब में भी बराबर जस्टिस दे पावे और हेल्थ में करा भी कॉम्प्रोमाइज ना करें. प्रभु आपको लगेगा प्रभु जी आप लोग ने रूल ही ऐसा स्ट्रिक्ट किया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु. मैंने बहुत एनालिसिस किया है. हम हफ्ते के अंदर 5 दिन आपके पास से, 7 दिन में से 5 दिन तो आपके पास से सिर्फ 16 राउंड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ज्यादा कर सकते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम प्रभु. इवन एकादशी में हम आपको 12 बजे तक करते, लेकिन हम आपको कंपल्सरी नहीं किया है. हम आपके पास सिर्फ 7 दिन में से सिर्फ, और 5 दिन जो वर्किंग डेज होता है उसके अंदर वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग 16 राउंड फ्रॉम अस. और ऐसे भी आपको 16 राउंड करना है ना, तो क्यों ना हमारे साथ में ना कर ले. दैट इज द मेन मोटिव. मैंने पूरा एनालिसिस किया प्रभु, कैलकुलेशन किया. 240 360 दिन में से प्रभु जी 260 दिन तो सिर्फ आपको 16 राउंड ही करने का है. यानी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 75%, 75% तो जो है ना आपको 16 राउंड ही करना है. बाकी का जो 25% है ना, उसमें सब उल्टा सीधा हमने किया है. लेकिन जब 75% व्यक्ति के जो है उत्तम स्ट्रेसफुल नहीं होता है, तो वो 25% में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है. और वो 25% में भी हमने 50% अटेंडेंस दिया है, उसमें 100% अटेंडेंस नहीं किया है. अगर आपने बराबर बैलेंसिंग किया होगा ना प्रभु जी, तो इट विल बी डेफिनेटली बी पॉसिबल. क्या है कि लोगों का वो जो अंदर का उत्साह इतना है ना, 100% ही सब जगह पे अटेंडेंस चाहिए, उसमें ही गड़बड़ होती है. आई कैन टेल यू मेरा अटेंडेंस 100% नहीं है. आई डोंट हैव 100% अटेंडेंस, बट आई एम वेरी पक्का, क्योंकि मैंने मार खाया है. मैंने देखा इधर ऐसा ऐसा चलेगा तो नहीं टिकने वाला है. तो प्रभु आपको ये देखना है कि यू जो है प्रभु जी आप इस तरह से जियो कि ये जो है अटेंडेंस, ये सब चीज जो है ना इस तरह से प्लानिंग ही किया है. अभी आपको सैटरडे संडे के अंदर हम आज जो है आज हम 32 राउंड करेंगे. भले हम एकादशी भी है तो हम आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप ज्यादा जपा करो. हाँ कर सकते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम, वी वॉन्टेड दैट वे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सब बराबर बैलेंसिंग करके आ जाओ. तो प्रभु मेरा हमेशा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज डू इट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, अदरवाइज इट विल नॉट बी सस्टेनेबल. ये सस्टेन आप नहीं कर पाओगे प्रभु. इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन. प्रभुपाद जी डेफिनेशन, प्रभुपाद का डेफिनेशन डिटर्मिनेशन का क्या है मालूम है? उन्होंने कहा है, एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस दैट इज सस्टेनेबल फॉर एवर. एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से बराबर देखना है, इज इट सस्टेनेबल, मैं सस्टेन कर पाऊंगा? अगर ये सस्टेन नहीं कर पाऊंगा तो मत करो. प्रभु जी आई एम वेरी सॉरी, बट एक क्लास में देने वाला हूँ. अरे कभी कभी ये माता जी लोग, यंग माता जी है ना जिसकी शादी नहीं हुई है ना, वो हमेशा देते हैं, मैं अभी कभी भी वैष्णव को छोड़ने वाले नहीं हूँ, मैं अभी बस लाइफ लॉन्ग जो है भक्तों के संग में रहूंगी. मैं जब ये सुनता हूँ तो मुझे टेंशन आता है. क्यों टेंशन आता है? अभी तो जब माता जी ऐसा इसका इतना अच्छा विचार है, तो कल उसकी शादी होगी और उसका हस्बैंड उसको नहीं बोलेगा तो क्या करेगी वो? कैसे जिएगी? तो घर में झगड़ा करेगी क्या? और झगड़ा करेगी तो पूरा उसका संसार बिगड़ जाएगा. फिर वो कृष्णा उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? कितनी मैच्योरिटी की गरज है प्रभु जी, कितनी मैच्योरिटी की गरज है. यू हैव टू प्लान इट इन सच ए वे कि अगले अगले जब भी आगे चल मेरी शादी होगी,
और मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कैसे मैं प्लानिंग करूं कि उनको भी सेटिस्फेक्शन दूं और मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं? दिस इज इंटेलिजेंस। उसका विचार नहीं करते, बस वो मैं भक्ति करूंगी। अरे बाबा नहीं ऐसा होगा, सबकी परीक्षा लाइफ में आने वाली है, किसी को कृष्णा छोड़ने वाला नहीं, ऐसे शुद्ध भक्ति मिलने वाली नहीं है बाबा। एवरीबडी विल बी टेस्टेड और वो टेस्ट के अंदर अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्लीज बी वेरी मैच्योर इनफ। इसलिए प्रभुपा जी कहते थे एंडेवरिंग विथ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से एंडेवर करो और उस हिसाब से देखो प्रभु। आगे आप देखेंगे नहीं, मैं 32 सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है हमेशा कहते थे टू मच भक्ति इज द साइन ऑफ नो भक्ति इन फ्यूचर। बहुत उत्साह के साथ में एकदम आगे, बॉस एवरीथिंग, एक भी दिन छोड़ूंगा नहीं, 100% ही अटेंडेंस चाहिए। प्रभु जी वो टिकेगा नहीं, आगे चल करके तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और वो प्रॉब्लम में अंदर आप जो है मैनेज नहीं कर पाओगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी प्लीज। अभी देखो पार्थ गोविंद प्रभु का प्रॉब्लम आया, मैंने राधा रूप माता जी का भी मैंने देखा, मैं उनके लाइफ स्टाइल आई डोंट नो सो मच अबाउट हर बट वॉट एवर आई कुड अंडरस्टैंड इट, वो माता जी जो है सुबह में जो है हमारा वो सेवा करती है, वो सेवक के वो सेवा करती है, फिर वो माता जी फिर जपा करती है, फिर वो माता जी जो है डीटी वर्शिप करती है, फिर कुकिंग करती है अपने फैमिली के लिए और फिर जॉब में जाती है। अब यो जॉब में जाने के बाद में शाम के टाइम पे वापस वो कुछ टेंपल का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रेसिंग का कुछ डीटीज का ड्रेसेस और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो वो ड्रेसेस का सेवा करती है और फिर वहां पे प्रोग्राम्स होगा वहां पे दिल्ली के अंदर, तो वो करेगी वो सब फेस्टिवल्स और वो सब अटेंड करेगी। प्रभु जी कैसे पॉसिबल है? और कुछ एक्सीडेंट हुआ, बेसिकली क्या होता है प्रभु जी एक्सीडेंट ऐसा क्यों हो जाता है? मैं हमेशा मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम ना, बिकॉज योर बॉडी हैज नॉट बीन गिवन प्रॉपर रेस्ट ना, यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट ऑन गार्ड, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिला नहीं है और उसके वजह से तुम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। मेजर रीजन वो होता है। यू हैव टू बी सो केयरफुल प्रभु जी, यू हैव टू बी सो केयरफुल। हमको ऐसी भक्ति नहीं करनी है कि जो है प्रभु हम सस्टेनेबल नहीं रहे। प्लीज डू इट इन सच ए वे कि हम जिंदगी के अंतिम क्षण तक भक्ति कर पाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु प्लीज फॉलो इट प्रॉपरली। प्रभु जी आई आई रियली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट प्रभु, मुझे आप लोग किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, हमको हम साथ में ही रहना चाहते हैं, हम साथ में ही भक्ति करना चाहते हैं। कितना उत्साह मिलता है, कितना आनंद आता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये आनंद हमेशा के लिए रहना चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े तो मेहरबानी करके करिए और वो हिसाब से करके जो है ना लाइफ के अंदर सस्टेन करिए। ये सब इंडिकेशन दे रहा है पार्थ गोविंद प्रभु का या राधा रूप माता जी का, ये सब दिखा रहा है प्रभु जी समवेयर वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम कहां पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा। प्लीज बराबर आ जाइए लाइन में और इस तरह से भक्ति करिए कि दिन प्रतिदिन जो है सब कुछ बराबर ठिकाना में और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े। हो सकता है हमारा स्पीड कम रहेगा लेकिन वो स्पीड जो है जो हमारा कम होने के बावजूद हमारा बेस बड़ा स्ट्रांग रहेगा और वो स्ट्रांग बेस होने की वजह से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छी तरह से मैच्योरिटी के साथ में आगे निकल पाए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। अनलेस अंटिल यू डोंट डू प्रॉपर बैलेंस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन फ्यूचर। प्रभु वी डोंट हैव टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स, वो हम कभी भी दूसरे टाइम पे लेंगे बिकॉज नाउ वी हैव टू चांट। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज डू इट इन ए प्रॉपर वे। आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम, अगर आप बोले तो अभी 2 मिनट और दे देता हूँ क्योंकि मुझे विचार मुझे वो भी बोलना था आपको कि हम लोग जो है जैसे मैंने कल भी बताया था कि अभी हमारा जो वीक ईयरली जो हमारा यात्रा जो हमने नक्की किया है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे हर साल, तो हम लास्ट 15 अगस्त के आसपास हम लोग गए थे। तो बेसिकली वी आर सपोज टू गो इन अगस्त इटसेल्फ टू जगन्नाथपुरी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जगन्नाथपुरी की यात्रा में देखा कि आप लोग जाने के बाद में मैं और पार्थ गोविंद प्रभु और दूसरे डिवोटीज वहां पे रुके, 2 दिन रुकने के बाद में मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया, इतना बरसात, बाप रे इतना बरसात आया था। भगवान ने हमको जगन्नाथ ने और हरिदास ठाकुर ने संभाला है, उस समय यात्रा के वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग निकल गए, आप घर पे पहुंच जाने के बाद में बरसात आया था वहां पे।
इतना बरसात, और वो जो है ना वहां पे सिंध बकुल के अंदर उधर से ऊपर से बरसात पानी अंदर आता था, वो शीट और वो जो लगाया है वो बराबर नहीं है वैसा मुझे लगा। और वो भी मैनेज कर लेंगे हम लोग, लेकिन सबसे वर्स्ट थिंग क्या हुआ, नीचे से पानी आने लगा, यहाँ पे फ्लोर के ऊपर से पानी आने लगा। तो फ्लोर के ऊपर से पानी आने लगा ना, तब मुझे हुआ कि बाप रे अगर ये ऐसा कोई बरसात आ गया तो हम लोग बैठ ही नहीं पाएंगे वहां पे, बैठ ही नहीं पाएंगे। सो वी आई फेल्ट इट दिस वे। ऑफ कोर्स इट इज एवरीथिंग इज ऑन योर व्यूज एंड आपका जो आप हमको बोलेंगे वही हम करेंगे। तो प्रभु मुझे ऐसा लगा कि हम ये अगस्त महीना जैसा हमारा 1 साल खत्म हो जाएगा ना, तभी हम एक वर्चुअल फेस्टिवल करना चाहते हैं जहां पे हम 3 दिन, ज्यादा नहीं क्योंकि वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अगस्त में आप लोग जो है वो डेट्स हमको, व्रज विहारी प्रभु, अच्छा व्रज विहारी प्रभु एग्री कर रहे हैं, ही इज रेडी टू कम फॉर ऑल द थिंग्स। मुझे बहुत उत्साह मिल गया, उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूँ। तो हम 3 दिन जो है वो हिसाब से करना चाहते हैं कि सुबह में हम 64 राउंड, जैसा हम महीने में 1 दिन करते हैं ना, ऐसा 64 राउंड करेंगे। 12 बजे तक, 12 12 सवा 12 बजे तक वो खत्म होगा, फिर 2 घंटा आपको रेस्ट दे देंगे, आपके घर पे ही हो आप, और फिर शाम को ब्रजबिहारी प्रभु का क्लास रहेगा। वो हिसाब से 3 दिन एब्सोल्युटली ओनली, और फ्राइडे सैटरडे संडे करने से क्या हो जाएगा, आपको सैटरडे संडे तो वीकेंड रहता है, फ्राइडे को 1 दिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये 3 दिन आपका घर पे बैठे बैठे यू बिकम नरिश टू कृष्ण कॉन्सियसनेस। हो सकता है कोई डिवोटी ऐसा है कि जो एलिजिबल है लेकिन वो जो है जगन्नाथपुरी नहीं आ सकता है, उसके लिए भी एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है कि वो भी घर पे बैठे बैठे वो बराबर फोकस कृष्ण कॉन्सियसनेस, 3 डेज 64 राउंड एंड 3 डेज व्रज विहारी प्रभु गिविंग द क्लास ओनली ऑन गौर लीला। यस एग्रीड। खाली टाइमिंग वो मेरे को उनका डेट्स नक्की करना है, आप भी हमको डेट्स दो और वो भी डेट्स को कुछ मैच हो जाए तो कर लेंगे। और फिर अगस्त में ये करने के बाद में, सो दैट वी गिव 1 साल का हमारा, और फिर अगर अच्छा लगा ना तो हर साल करेंगे हर साल करेंगे अगर एडजस्ट हो रहे हैं तो। फिर बाद में जो है सितंबर महीने में प्रभु हमारा 192 आता है, तो वी डोंट वांट टू कीप दैट। अक्टूबर महीने के अंदर प्रभु वापस कार्तिक की चालू हो जाएगी, कार्तिक चालू हो जाएगा प्रभु जी, तो कार्तिक कसम चलेगा। अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में सर्दी चालू हो जाती है प्रभु जी, संभव सर्दी में देयर आर मेनी डिवोटीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, प्रभु हम सर्दी में ज्यादा करके हम लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि अस्थमा का प्रॉब्लम ये वो आ जाता रहेगा, और डिवोटीज भी इतने घंटे जो है बहुत सर्दी होने की वजह से कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं है। तो दिसंबर जनवरी वी डोंट वॉन्ट टू टेक सनी रिस्क, लेकिन फिर इमीडिएटली फेब्रुआरी जैसा आया ना वी फेल्ट दैट दिस इज अ वेरी गुड टाइम, फेब्रुआरी में वी कैन स्टार्ट अवर यात्रा। और वो फेब्रुआरी में हम लोग, आप हमको डेट दो कौन सा डेट अगर एडजस्ट हो रहा है तो विल कीप दैट यात्रा ऑन फेब्रुआरी। फेब्रुआरी में दिस टाइम एज आई डिसाइडेड लास्ट टाइम मैंने बताया, हम 5 दिन यात्रा का रखना चाहते हैं प्रभु। पहले दिन वी वॉन्टेड टू चार्ट 128 राउंड्स इन सिद्ध बकुल, सुबह में 5 बजे से शाम को 7 बजे तक हम सिद्ध बकुल में जपा करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल। है भाई आप बोलेगा नहीं प्रभु बहुत हो गया तो ठीक है नहीं करेंगे, तो शाम को 7 बजे तक वहां पे ब्रेकफास्ट आएगा, वहां पे लंच आएगा, और फिर 7 बजे आप खत्म करके आ जाओ अपना वो वाटिका में, और वहां पे आपको डिनर दे देगा और जल्दी इमीडिएटली सो जाओ। उस दिन प्रभु जी का क्लास नहीं रखेंगे, प्रभु जी ने बोला मुझे कि मैं भी आऊंगा और वो 128 करेंगे हम लोग, और फिर उस दिन क्लास नहीं रखेंगे। अब जल्दी सो जाओ क्योंकि पूरा दिन आपने 14 घंटा जपा किया है, यू टेक रेस्ट, और सुबह में वापस 5 बजे सिद्ध बकुल में आ जाओ। और फिर वो 4 दिन जो है जैसा हमारा लास्ट टाइम का शेड्यूल था उसी हिसाब से रहेगा, 64 राउंड आने का, प्रसाद लेने का, 2 घंटा आराम करने का, और प्रभु जी 3 घंटे का क्लास देंगे। वो 4 दिन वो का वही शेड्यूल रखेंगे, खाली एक डोज बढ़ाएंगे 128 राउंड का। सो यो ये सब चीज जो है प्रभु जी, वी वॉन्टेड टू डू इट इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट, मैं विपुल प्रभु को बोलने वाला हूँ, एक पोलिंग रखेंगे हम लोग, हम आपको जो है बताएंगे कि डू यू फील दिस इज ओके। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बराबर नहीं है तो यू गिव योर ऑप्शन कि क्या होना चाहिए, हमको वह देखेंगे। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि दिस इज ओके तो हम करेंगे, आप बोलेंगे कुछ ऐसा ऑप्शन आया और सब लोग का मेजोरिटी आएगा तो वी आर रेडी टू चेंज इट ऑल्सो। पर एक चीज याद रखेगा प्रभु, ये दोनों यात्रा के अंदर वो जो अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है दैट विल बी डेफिनेटली बी कंसिडर्ड, क्योंकि 128 राउंड जो है आप वहां पे बराबर नहीं कर पाओगे तो प्रभु आप दूसरे लोगों का उत्साह बिगड़ जाएगा।
इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट प्रभु, वी विल बी डेफिनेटली बी फोकस इन अटेंडेंस इन टू दैट, वही डिवोटीज को हम अलाउ करेंगे, वरना इट विल बी डिफिकल्ट प्रभु जी। क्योंकि लास्ट टाइम का यात्रा मैंने देखा इतना अच्छा क्यों गया, क्योंकि ओनली दोस डिवोटीज वो रियली सिंसियरली दे हैड ओनली कम, हमको ऐसी इच्छा है सब आ जाओ, लेकिन वी हैव टू फुलफिल द अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो प्रभु जी हम लोग आपको पोलिंग में आपको लिस्ट आपको बता देंगे, आप आपका कंसेंट हमको दोगे, देन वील गो अहेड प्रभु जी। सो आई विल नीड योर कंसेंट, आई विल टेल रिक्वेस्ट टू विपुल प्रभु टू राइट इट टू राइट ए गिव योर कंसेंट। अब पोलिंग हम लेना चाहते हैं कि आपको आप बराबर एग्री कर रहे हो, देन वी कैन गो अहेड। फिर तारीख जो है मैं ब्रज विहारी प्रभु से ले लूंगा। ब्रज विहारी प्रभु हैज टोल्ड मी ही इज रेडी टू कम फॉर बोथ द थिंग्स, ही विल बी गिविंग अवर वर्चुअल क्लासेस ऑल्सो, वो 3 दिन का, और जगन्नाथपुरी में भी हमारे साथ आएगा, सब्जेक्ट टू आपका डेट्स, उसका मैच हो जाना चाहिए प्रभु। सॉरी प्रभु ज्यादा ही ले लिया है मैंने, ऑलमोस्ट 55 मिनट्स बोल दिया है, मुझे माफ करिएगा। अगर ऐसा लगेगा तो अगले टाइम जो है हम क्वेश्चन आंसर इसके पे लेंगे, अभी जो है हम जपा करने बैठेंगे, मुझे माफ करना 20-25 मिनट आपका ज्यादा ले लिया है, बट आई फेल्ट दिस वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। ज्यादा ज्यादा हमको ऐसा नहीं देखना है कि हम भक्ति ऐसा ही इतना उत्साह में करें और आगे हम सस्टेन ना कर पाए। सो अगर थोड़ा बहुत किसी को मैंने अपराध किया है तो मुझे माफ करना, ज्यादा ही बोल दिया होगा, अगर किसी का हृदय टूट गया है, बिकॉज यू आर आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली यू आर आर वेरी एलिवेटेड सोल, आप बहुत उत्साह बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखते हो, तो मुझे डर लगता है कुछ अपराध हो जाएगा तो मेरा भक्ति का क्या होगा। बट मेरा अंदर से ये भी इच्छा है कि आप लोग जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमारे साथ में ही रहो। तो आई थिंक वील एंड इट एंड वील स्टार्ट अवर राउंड्स। विपुल विपुल एंड प्रसाद प्रभु, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग प्रभु, एनीथिंग नो एल्स ब्रो, इसको बिल्कुल। नो ब्रो, हाँ नो ब्रो जी, अच्छा, विपुल का विपुल का विपुल क्या बोल रहा है? नो नो ब्रो जी, ओके, पार्थ गोविंद प्रभु, पार्थ गोविंद प्रभु, पार्थ गोविंद है कि नहीं, बैठा है ना? यस ब्रो जी, एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू से? नो नो नो, दैट्स ओके, थैंक ठीक यू ब्रो जी। है, तो प्रभु जी विल एंड इट एंड विल स्टार्ट अवर राउंड्स। सॉरी, वंच कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु बहे बच्चा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। हरि 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 बोल।